अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं उसका जो आपने रीवैल्यूएशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, पूरा मैं प्रोसेस आपको बताऊँगा, इंक्लूडिंग अगर आप एक सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं या मल्टीपल सब्जेक्ट में क्या फ़ीस होगी, सिंगल की फ़ीस सेम होगी और जो आप बीच में अदर सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे उनके भी सेम होगी या एक्स्ट्रा फीस होगी उसकी, इंक्लूडिंग ये जो आप फॉर्म फिल करेंगे प्राइवेट स्टूडेंट्स और जो कॉलेज से स्टूडेंट रेगुलर कर रहे हैं वो कैसे फिल करेंगे, बहुत काम है, प्रोसेस बताऊंगा। सो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इसमें यूजी और पीजी के लिए प्रोसेस सेम रहेगा, बस डिफरेंट उनकी वेबसाइट में आएगा। तो यहाँ पर मैं जो एग्ज़ाम्पल लेने वाला हूँ, बीएड का सेकेंड सेम का रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसकी जो बच्चों ने रीवैल्यूएशन फिल करनी कैसे फिल करेंगे, या मैं जस्ट एक बीएड का एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई भी आप पंजाब यूनिवर्सिटी का रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल करेंगे प्रोसेस सेम होगा, बेशक वो अंडर ग्रेजुएट का या पोस्ट ग्रेजुएट का रहेगा। तो आप गूगल पर जाइए, यहाँ पर लिख दीजिए यूजी एग्ज़ाम रीवैल्यूएशन, स्पेलिंग वगैरह का कोई इशू नहीं है, लिटिल बिट अगर आपके स्पेलिंग गलत भी होते हैं तो आप उसको यहाँ फिल कर सकते हैं, गूगल ऑटोमेटिक उसको देख लेगा। उसके बाद जब आप उसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा नेट डिस्कनेक्ट था तो मैंने उसको कनेक्ट कर लिया, और जब हमने गूगल पर फिल किया था यूजी एग्ज़ाम रिवेल्यूशन उसके बाद ये आपके सर्चिंग रिजल्ट शो करेंगे। फर्स्ट लिंक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का रहेगा अंडर ग्रेजुएट की, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आप डायरेक्टली जो ऑफिशियल पेज है यूजी एग्ज़ाम का जिसमें रिवेल्यूशन आपने फिल करनी है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अपने कौन सा सेशन है वो चूज़ करना है, दिसंबर 2022 का, मई 2022 का, या जो अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो है। तो हमारा जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है बच्चे का वो हुआ है मई 2023 में। यहाँ से आप क्लास चूज़ करेंगे कौन सा है, बी ए है, बी कॉम है, बी पी एड है, बी एड है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, कोर्स रहेगा। और इसमें आपका सेमेस्टर किसकी आपने रीवैल्यूएशन अप्लाई करनी है, सेमेस्टर सेकंड की, फर्स्ट की, जो भी आपका सेमेस्टर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ फिलहाल हम बीएड का अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें सेमेस्टर सेकंड की करनी है। यूनिवर्सिटी का आपका रोल नंबर कितना था वो आप फिल करेंगे और यहाँ पर टाइप आपकी नॉर्मल रहेगी, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका बैकएंड से डाटा फेच होगा, यहाँ से केस आईडी हमने पहले रजिस्टर किया था, केस आईडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अपडेटेड है। अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन इसको क्लिक करिए, लास्ट डेट इनकी आपने देखा है वहाँ पर 21st ऑफ आ रहा है, ये देखिए द स्टूडेंट कैन अप्लाई विद इन 15 डेज ऑफ, मतलब कि आपका जो रिजल्ट अनाउंस होता है उसके अंडर आपने 15 डेज के अंदर ये फिल करना है। तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी रहेगी, उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, उसके बाद जो भी डिटेल्स हैं आपकी ऊपर आ जाएगी। तो हमने यहाँ एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था वो यहाँ पर आ रहा है, अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस होगी। फिलहाल एक सब्जेक्ट की आपकी फ़ीस रहेगी 650, अगर आप टू की अप्लाई करते हैं 650 प्लस 650 तो आपका जो फ़ीस है 1300 हो जाएगा। अगर आप फोर की अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस रहेगी। ये देखिए लास्ट डेट भी इन्होंने बताई है 20th ऑफ दिसंबर सॉन चूज सब्जेक्ट्स फॉर रिवेल्यूशन। सो माने एक ही सब्जेक्ट का डाउट था तो हमने एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ किया है, कंप्यूटर साइंस, कैलकुलेट एंड कंटिन्यू। ऑटोमेटिक आपका बैकएंड सर्वर फीस सेलेक्ट करेगा, कैलकुलेट करेगा और उसके बाद आपका अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट अबव, तो हमने सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ से होम पे आ रहा हूँ, बिकॉज हमने पहले ही अप्लाई किया था इसलिए यहाँ पर हमें डायरेक्टली पेमेंट पे करनी होगी। तो यहाँ ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कंफर्मेशन आएगा, जब आप वहाँ पर फिल करेंगे तो आपका लिंक उसके बाद आएगा, फिलहाल हमने पहले से फॉर्म फिल किया था तो इसलिए हमारा डायरेक्टली पेमेंट पेज वहाँ शो कर रहा था। कौन सा मोड आप यूज़ करना चाहते हैं इसमें से, नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, स्टेट बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, तो आप जो भी मोड यूज़ करना चाहें, बैंक चार्जेस वगैरह इसमें सॉन है, 650 आपका पर सब्जेक्ट है, कन्फर्म पर क्लिक करिए। जब आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आप अपनी कार्ड की डिटेल्स फिल करनी होगी, कार्ड मीन्स जो भी आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पेमेंट के लिए फ़ीस डे फिल करनी होगी उसकी कार्ड। तो यहाँ पर आपको जो भी आप मोड यूज़ कर रहे हैं पेमेंट का उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स फिल करनी होगी, कैप्चा फिल करना होगा और जो यहाँ पर करेक्टर्स दिए हैं करेक्टर्स कैप्चा फॉर पेमेंट
तो वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको पे पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी रिसीव होगा। यहाँ पर देखिए मेल आईडी भी बताई है और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है उसके भी कुछ करेक्टर्स बताए हैं जिस पर ओटीपी सेंड किया गया है। सो हमें यहाँ ओटीपी रिसीव हो गया, तो हम इसको यहाँ से ओटीपी फिल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो पेमेंट आपकी साथ के साथ अपडेट हो जाएगी, लेकिन कई बार ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पेमेंट साथ के साथ अपडेट नहीं होती, तो कई बार लिटिल बिट थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप 24 आवर्स टू 48 आवर्स वेट करिए, फिर भी नहीं होती, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी पेमेंट अपडेट करवा सकते हैं। और ये जो फॉर्म है आप हमारे थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। नॉट ओनली दिस, कोई भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, रिक्वायरमेंट निकलती है, या कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज चाहिए, कोई पासवर्ड वगैरह या कोई अदर डिटेल्स आप फॉरगेट हो गई है, मेल आईडी गलत फिल कर दी है, फ़ोन नंबर गलत फिल कर दिया है, कोई भी ऐसी कोरेक्शंस हैं आपकी या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स, और नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो डैट ये जो मैंने जानकारी आपके साथ शेयर की है आपके अदर फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्युएबल टाइम।